वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेकिया उन्हें जमिया ही नहीं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर। विजिट करेंगे बादशाही मॉस्क जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड है और इंतहाई खूबसूरत है। लाहौर में बेशुमार हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनमें से एक मीनार पाकिस्तान भी है। और आप लाहौर आएँ और वाघा बॉर्डर ना जाएँ, ये तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जल्दी जल्दी में नाश्ता हो रहा है क्योंकि हमने वाघा बॉर्डर कवर किया। वाघा बॉर्डर की जो टाइमिंग्स हैं वो 3 बजे पहुँचना होता है ना, एंट्री शुरू की है। हाँ, 4 बजे 5 बजे बंद हो जाती है, तो जल्दी जल्दी पहुँचना है। यहाँ से 5 घंटे का सफ़र है, अभी 9:15 हुए, इंशाल्लाह 9 बजे तक निकल जाएंगे। पहले लाहौर जाके होटल में सामान ड्रॉप करेंगे। It's a 5-hour journey without break. Yeah. Let's go. ये हम मोटरवे पे रुके हैं सियाल मोड़ पे, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम इधर लाहौर ही रुकेंगे। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी बहुत है, सारी जो बर्फ सी पिघल गई नॉर्दर्न एरियाज की। ये चिंची है, बाइक वाला रिक्शा वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं और टाइमिंग्स वगैरह पूछ रहे हैं। अभी एंट्रेंस नहीं होने दे रहे क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, 3 से 4 बजे तक एंट्रेंस होती है, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम आज शायद वाघा बॉर्डर कवर ना कर सकें। अभी गेस्ट हाउस जाएंगे, फ्रेश होंगे, लंच करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, शेल्टन होम्स। booking.com के थ्रू हमने यहाँ की बुकिंग करवाई थी एंड इट लुक्स रियली नाइस। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इस गेस्ट हाउस के, तो फिर हमने इसे ही फाइनलाइज़ किया। एंड द लोकेशन इज़ ऑल्सो गुड, बहुत क्राउडेड नहीं है, अच्छी पीसफुल जगह है। सो दिस इज़ द रूम, वेरी नाइस, काफ़ी स्पेशियस है एंड 2 मास्टर बेड्स हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा रूम है, वेरी नाइस। हमने लंच ऑर्डर कर दिए फूड पैंडा से, क्या मंगवाया है? हलीम रोटी। गेस्ट हाउस वाले ने हमें सर्व कर दिया है, तो अब हम ट्राई करते हैं कैसी है हलीम। आई किचन से ऑर्डर की ना, आई किचन लाहौर। चलो दुआ पढ़ो। चलो बिस्मिल्लाह अच्छी लग रही है चिकन रेशे वाली, नॉट बैड। लंच करके तो भाई हम सो गए थे, अच्छा खासा रेस्ट किया है हमने और अब हम निकले हैं लाहौर एक्सप्लोर करने। अंदरून लाहौर जा रहे हैं जहाँ बादशाही मॉस्क, मीनार पाकिस्तान, ग्रेट अल्लामा इकबाल पार्क, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। बादशाही मॉस्क से पहले ये एक पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है जिसको क्रॉस करने के बाद बादशाही मॉस्क का दरवाज़ा आता है और ये काफ़ी अच्छी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। आई थिंक डिनर हमारा यहीं पे होने वाला है। नए पुराने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे सिर्फ इस फूड स्ट्रीट को कवर करने के लिए। मस्जिद का रास्ता कहाँ से है? ये है बादशाही मॉस्क का गेट, सो ह्यूज। ये उलमा एकेडमी, फबिया को बहुत शौक था ना बादशाही मॉस्क आने का। मुझे एक बात बताए, बादशाही मॉस्क है ना वो यहाँ लाहौर के रियल रेड स्टोन से बनी है। अब जा रहे हैं बादशाही मस्जिद के अंदर।
अल्लामा इकबाल का मज़ार है, बादशाही मॉस्क के बिल्कुल साथ ही है। हम जा रहे हैं हवेली रेस्टोरेंट जो यहाँ फूड स्ट्रीट पे ही है। बिल्कुल हवेली की तरह से ही बनाया हुआ। सो फाइनली आवर डे कम्स टू एन एंड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा लाहौर में, बड़ा मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।